हमारी अवस्था पूरी फेल है, सब दिखावे है, सब पैसे खा रहा है। सिर्फ एक ही जवाब दिया, जब तक सीएमओ परमिशन नहीं देंगे तब तक हम आपको सप्लाई नहीं देंगे। हॉस्पिटल बेचारा पूरी हेल्प कर रहा है, पर हॉस्पिटल कहाँ से पैदा करेगी, सरकार ही नहीं दे रही। तो पूरे शहर के अंदर सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट मेरे पास है, एडमिट 114 पेशेंट। कोरोना संक्रमण के बीच बढ़ते ऑक्सीजन संकट को लेकर अब हाहाकार मचने लगा है। ऑक्सीजन के अभाव में कोई मरीज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, तो वहीं कोई जिंदगी से हाथ धो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वीडियो में दिख रहे ये लोग खुद बयान कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के लिए लोग कैसे तरस रहे हैं। देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में मंथन करते हुए ऑक्सीजन से जुड़ी वस्तुओं और उपकरणों पर अगले 3 महीने के लिए कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं ऑक्सीजन संकट के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आपराधिक स्थिति है। अगर कोई इस दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई रोकता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम के बाद अब रेवाड़ी में भी ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है। लोगों का आरोप है कि ऑक्सीजन सप्लाई का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों से बार बार संपर्क करने के बाद भी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे में समय पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण लोगों ने जमकर बवाल काटा और शहर के सर्कुलर रोड को जाम कर दिया। ऑक्सीजन के लगातार कमी को लेकर लोगों में विरोध के स्वर उठते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित लोग ऐसी परिस्थिति में सिस्टम को पूरी तरह फेल बता रहे हैं। अवस्था पूरी फेल है, सब दिखावे है, सब पैसे खा रहा है, जितना भी सरकारी सिस्टम है सब पैसे खाता है, सब कुछ मिलता है लेकिन बाहर मिलता है, अंदर नहीं मिलता। सब सरकारी व्यवस्था यहाँ फेल हो चुकी है, कोई सिलेंडर नहीं दे रहा है। दुनिया कहती है हरियाणा में सरकार कहती है उनके पास सब इंतजाम है सर। अरे कहाँ इंतजाम, उनके बंदे को एडमिट करो यहाँ, हम दिखाएंगे कहाँ इंतजाम, उनके आदमी को एडमिट करके दे। हॉस्पिटल बेचारा पूरी हेल्प कर रहा है, पर हॉस्पिटल कहाँ से पैदा करिए, सरकार ही नहीं दे रही। तो अभी बंद करिए, और सही चल रही थी यहाँ पे, कोई दिक्कत अभी वहाँ पे भी फोन करा कोई रिस्पांस नहीं, 102 पे भी जी कर रहे हैं। 3 जनों ने तो मेरे भाई का नाम लिख लिया और तीनों ने बोला जी अभी भेज रहे, अभी तक नहीं आई ऑक्सीजन वाली गाड़ी। रेवाड़ी के विराट हॉस्पिटल के ऑपरेशन हेड धर्मेंद्र के अनुसार इस समय उनके हॉस्पिटल में कोरोना के सबसे अधिक मरीज एडमिट है। उनका आरोप है कि संबंधित अधिकारियों को बार बार सूचित करने पर भी उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई का जिम्मा संभाल रहे लोग ऑक्सीजन देने के लिए सीएमओ की परमिशन की दुहाई दे रहे हैं। समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध न होने के चलते उनके हॉस्पिटल में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न पहुंचना और इनके अभाव में मरीजों द्वारा दम तोड़ना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। आप खुद सुनिए विराट हॉस्पिटल के ऑपरेशन हेड धर्मेंद्र से ऑक्सीजन की कमी का सच। ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के कारण 3 जो डेथ है हमारी आईसीयू में हो चुकी है और एक वार्ड के अंदर 4 मरीज हमारे मर चुके हैं सर, एक्सपायर हो चुके हैं। सर हमारे कोई बैकअप नहीं है, प्रशासन को बार बार फोन किया जा रहा है और सर हमने ये जो खाली सिलेंडर है लोड करवा के दोबारा हम वही वेंटर के पास भिजवा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। सर सुबह 9 बजे से निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि ऑक्सीजन भेज दीजिए, हमारे पास एक घंटे का स्टॉक है। सर मैं इवन जब मेरे पास 10 मिनट का स्टॉक था, 5 मिनट का, सर हर बार मैंने फोन करके बोला है सर मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का स्टॉक रह रहा है सर। उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया, जब तक सीएमओ परमिशन नहीं देंगे तब तक हम आपको सप्लाई नहीं देंगे। सर पेशेंट 114 पेशेंट सर मेरे पास एडमिट है, पूरे शहर के अंदर सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट मेरे पास सर एडमिट है, 114 पेशेंट सर। वी न्यूज के लिए आलोक भंडारिया की रिपोर्ट।